क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखो यार, इस तरीके का क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, जहां पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात करते हैं वो एक तरीके का क्वेश्चन होता है जिसमें कि वो ऑक्साइड्स दे देते हैं जैसा कि इसमें दिया है, और उसमें से पूछ देते हैं इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। दूसरे तरीके से जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इस वीडियो के अंदर कि तुम्हें उन एलिमेंट्स का नाम बता देता हूँ जो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। साथ ही साथ मैं क्या करूंगा कि उसको याद रखने का ट्रिक बता दूंगा कि किस तरीके से उसको याद रखा जा सके। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? वो ऑक्साइड जो एसिड की तरह भी वर्क कर सकता है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी वर्क कर सकता है और बेसिक की तरह भी वर्क कर सकता है। जनरली हम जानते हैं कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है। तो ये इनका जो ऑक्साइड है, मैं एक लिस्ट बताने वाला हूँ, उन लोगों का जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक तरह का होता है, मतलब वो एसिड भी वर्क कर सकता है और बेस की तरह भी वर्क कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि सामने कौन आ रहा है। सबसे पहला है बेरिलियम, फिर है टीन, फिर है गैलियम, एल्यूमिनियम, फिर तुम्हारा जिंक और फिर तुम्हारा पीवी लेड। अब देखो, बेरिलियम, टीन, गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड पीवी, इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, देखो इसके करस्पॉन्डिंग मैं लिख देता हूँ बे, इसके करस्पॉन्डिंग मैं लिख देता हूँ बे, इसके करस्पॉन्डिंग मैं लिख देता हूँ सन, बे सन, इसके करस्पॉन्डिंग मैं लिख देता हूँ गा, इसके करस्पॉन्डिंग लिख देता हूँ ल, गाल, इसके करस्पॉन्डिंग लिख देता हूँ मैं जीव, और इसके करस्पॉन्डिंग मैं लिख देता हूँ पर। तो बेसिक रूप से क्या होता है, जब शादी किसी का होता है तो उस समय हम बेसन लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं? गाल और जीव के ऊपर, जीव पे नहीं लगाते, बस याद रखने का एक ट्रिक है, तो याद रह जाएगा बेसन गाल जीव पर। अच्छा, यहाँ पे जिंक जो है वो इस लिस्ट में है, तो हम बोलेंगे अच्छा ये जिंक हमारा आंसर होता है। तुम देख सकते हो कि बोरॉन, सल्फर और सोडियम, ये लोग इस लिस्ट में नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक क्विक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ कि इन चार ऑप्शन में से, जो मैं लास्ट चार ऑप्शन लिखने वाला हूँ, इसमें से कौन सा एलिमेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना लेगा, तुम कमेंट में इसका आंसर लिखो। ठीक है, ये तुम्हें कमेंट में लिखना है। फाइन, थैंक यू।